दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 Plus, ये दो जो वेरिएंट है सैमसंग की ओर से, इनको लेकर के पूरी की पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चाएं पहले ही हो चुकी हैं और फाइनली कंपनी ने जो है इनको MWC 2018 में लॉन्च कर दिया है। इनके अंदर कंपनी ने अपने वादे के अनुसार स्नैपड्रैगन 845 जो लेटेस्ट SoC है वो दिया है। इसके साथ फ़ोन में काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए हैं और काफ़ी इसके जो है एडवांस बना दिया है। तो आइए देखते हैं इस फ़ोन के अंदर क्या क्या खास फीचर है। तो आज दोस्तों हम आपको जो है इस फोन के अंदर खास फीचर क्या क्या है वही दिखाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सहरावत और आप देख रहे हैं टेक्निकल पैरामाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 Plus, ये दोनों फोन इस समय जो है आपको मेरे हाथ में देखने को मिलेंगे। S9 Plus जो है उसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और साथ में नीचे दे दिया गया है फिंगरप्रिंट स्कैनर। और इसी तरह जो है सैमसंग गैलेक्सी S9, इसमें सिंगल कैमरा आपको देखने को मिलेगा, नीचे मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। S9 Plus जो है दोस्तों, उसके अंदर मिलेगी आपको देखने के लिए 6.2 इंच की सुपर एमोलाइड डिस्प्ले। इसके अलावा जो है सैमसंग गैलेक्सी S9, उसमें आपको देखने को मिलेगी 5.8 इंच की सुपर एमोलाइड डिस्प्ले। और इसमें जो है कलर भी कंपनी ने कहीं दे दिए हैं, आप अपने चॉइस का जो है कलर चूज कर सकते हैं इस बार। अनदर की फीचर इन दोनों फ़ोन में जो है वो है, इन दोनों फ़ोन के अंदर देने दिया जाने वाला कंपनी की ओर से सुपर स्लो मोशन कैमरा फीचर। दोस्तों, ये जो है 960 फ्रेम पर सेकंड की जो है रिकॉर्डिंग देता है और जिससे आपको मिलता है एक सुपर स्लो मोशन एक्सपीरियंस। और भाई, कंपनी कहती है कि स्लो मोशन इज इमोशन। दोस्तों, कंपनी की ओर से जो है AR इमोजी एक नया फीचर जो है इसमें ऐड कर दिया गया है। वन क्लिक पर आपका कैमरा होता है ऑन और आप अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। आपके ली गई जो फ़ोटो है उसी से मिलती जुलती इमोजी तैयार हो जाती है और ये इमोजी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर इसका माना जा रहा है। और आपकी जो इमोजी है वो अलग अलग 18 अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ जो है आप अपनी इमोजी रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और इनको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। तो भाई, ये जो है कंपनी की ओर से एक नया की फीचर चेंज देखने को मिला है। और इसके अलावा जो है आप अपनी इमोजी को नए नए अवतार में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं और 3D इमोजीज में आप तैयार कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये इमोजी फीचर जो है वो iPhone 10 की नकल है, पर कंपनी ने मना कर दिया है साफ साफ। दोस्तों, S9 Plus में दिया गया डुअल कैमरा सेटअप जो है वो इस फ़ोन का काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर माना जा रहा है। और साथ साथ जो है थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है फिंगरप्रिंट स्कैनर को, जो कि कैमरे के साइड से हटा करके कैमरे के नीचे कर दिया गया है इस बार। थोड़ा सा पॉजिटिव फीचर ये माना जा रहा है। दोस्तों, फ़ोन को हाथ में लेकर के एक जो है अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है। काफ़ी अच्छा सा फ़ोन जो है कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। और जो है इसके साथ साथ जो है नीचे की ओर दिया गया है 3.5 mm का हेडफोन जैक, और जो है जो नीचे की ओर इस बार जो है कंपनी ने दिया है, साथ में साइड में दिया गया है फ़ोन की स्क्रीन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए एक बटन, ऊपर कहीं यहीं पर छुपा हुआ है एक स्पीकर, और इधर की ओर दिया गया है वॉल्यूम अप डाउन बटन, साथ में दिया गया है Bixby के लिए एक अलग से बटन। Bixby जो है इस बार इन्होंने काफ़ी अपग्रेड कर दी है। Bixby जो है इस बार यूज करेगा आपके कैमरे को और कर देगा लाइव ट्रांसलेशन। तो दोस्तों, जैसे आप किसी देश में हैं बाहर कहीं और वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है तो आप अपने कैमरे से जो है डायरेक्ट उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरह का फीचर जो है इसमें इस बार दे दिए गए हैं। साथ में दे दिया गया है मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन फीचर, जिससे जो है आपके कैमरे की क्वालिटी जो है वो काफ़ी निखर करके सामने आ रही है और पिक्चर की क्लियरिटी जो है वो बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, और कम लाइट में भी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की पिक्चर आपको दे सकता है। कैमरे की क्वालिटी जो है इस बार जो है काफ़ी बढ़ा दी गई है। सेंसर बहुत ही अच्छे यूज़ किए गए हैं कंपनी की ओर से। पिक्चर क्वालिटी जो है दोस्तों उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है इस बार, और गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें यूज़ किया गया है इसकी स्क्रीन पर। बैक जो है वो भी काफ़ी स्मूथ सी इसमें दी गई है इस बार। यहाँ पर भी कुछ ग्लास इसमें यूज़ किया गया है यूनिक टाइप का। और जो है इसके साथ साथ मैं आपको इसके कुछ इंटरनल फीचर के बारे में बता देता हूँ जल्दी जल्दी। दोस्तों, एंड्रॉयड ओरियो 8 के साथ जो है आप इसको एंजॉय करने वाले हैं फ़ोन को। साथ में जो है फ़ोन के अंदर अगर फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको जो है देखने को मिलने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus, इसके अंदर आपको जो है मिलने वाला है 6.2 इंच की डिस्प्ले, और साथ साथ जो है आपको 6GB वेरियंट के साथ ये मिलेगा। इसके अंदर होगी आपकी 3500 mAh की बैटरी। सैमसंग गैलेक्सी S9 जो है वो 5.8 इंच की डिस्प्ले के साथ जो है आपको मिलने वाला है, और साथ में इसमें दी गई है 3000 mAh की बैटरी। फ्रंट कैमरा जो है वो आपको मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल की रेंज में, और जो बैक कैमरा यानी कि रियर कैमरा है वो आपको मिलेगा काफ़ी अच्छे सेंसर के साथ साथ जो है 12 मेगापिक्सल की रेंज में। दोस्तों, फ़ोन जो है आपको 64GB, 128GB, 256GB इन स्टोरेज के साथ ऑप्शन के साथ जो है जल्दी ही अवेलेबल होने वाला है। 400GB तक आपको आप जो है इसका इंटरनल स्टोरेज को microSD कार्ड वगैरह लगा करके एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कब तक ये फ़ोन लॉन्च होगा और इसका क्या प्राइस रहेगा? 50 से लेकर के 55 हज़ार रुपये की कीमतों के बीच में आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है। इसमें दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, और साथ साथ जो है इसके अंदर कुछ आयरिस स्कैनर और फेस अनलॉक जैसे फीचर हैं जो दोनों के दोनों मिलकर के एक साथ काम करते हैं, जिससे आपके फोन को मिलती है ज्यादा बेहतर लुक, क्वालिटी और सिक्योरिटी। तो दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 Plus।